हे नमस्कार दर्शक बंधु, मैं सुमन। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे बजीज पैरट के कुछ कॉमन बीमारियां के बारे में। और फ्रेंड्स, मैं आज जा रहा हूँ दाना खरीदने के लिए सीट। दुकान में जाके सीट का क्या प्राइस चल रहा है वो भी शेयर करेंगे। इस लॉकडाउन टाइम पे क्या प्राइस बढ़ा है क्या घटा है वो शेयर करेंगे। और आशा करते हैं आप सभी दर्शक बंधुओं को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर देना। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स। ये आप सभी के सपोर्ट की वजह से ही इसको बाय कर पाया। और तो चलिए अभी जाते हैं सीट खरीदने मार्केट, और मार्केट का क्या हाल है, रास्ते का क्या हाल है वो आपको दिखाएंगे। और मेरे पास पूरा परमिशन वगैरह है कि मैं बाहर जा सकता हूँ। दर्शक बंधु, ये देखिए, ये है हमारे इलाके का लोकल रास्ता। मार्केट पूरा बंद है अभी, तो दाना का दुकान खुला है, तो दाना खरीदते हैं। सफ़ेद बड़ा कंगनी मैं लेके आया हूँ। आपके एरिया में इसका प्राइस क्या है आप लोग नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थोड़ा सा धूल मिट्टी गंदगी थोड़ा सा है, लेकिन फिर भी चल जाएगा। थोड़ा सा साफ़ सफाई करके इसको ठीक कर लेंगे। और 65 रुपीज़ इसका केजी पड़ा है, मतलब एक केजी का। और आंध्रो का जो दाना है, आंध्रो का सीड, वो है 60 रुपीज़। आंध्रो का दाना बोलेंगे तो ये वाला जो सीड है, ये आंध्रो का दाना है। इसमें भी धूल मिट्टी है, लेकिन फिर भी ये है 55 रुपीज़ का किलो। अब फिंच का जो सीड है वही है, फिंच वाला दाना, फिंच का, जेवरा फिंच का, ये आपको पड़ेगा 45 रुपीज़ का एक केजी। फ्रेंड्स, ये जो है कि सनफ्लावर सीड है, ये आपको पड़ेगा 90 रुपीज़ पर किलो। अगर आप बोरी लेते हैं तो 85 रुपीज़ पर किलो। लॉकडाउन से पहले ये 75 रुपीज़ पर किलो था, एक किलो का प्राइस। बोरी लेते हैं तो 70 रुपीज़ का किलो। दर्शक बंधु, ये जो है कि वाइट सनफ्लावर सीड है, ये आपको पड़ेगा 200 रुपये पर किलो। लॉकडाउन से आगे ये 200 रुपये था, अभी ये 300 रुपये पर किलो चल रहा है। ये वाला फ्रेंड्स जो है कि खुरतुम है, और हम लोग बंगाली में इसे कुसुम दाना बोलते हैं। एक तरीके का लहसुन टाइप ही होता है, एंटीबायोटिक काम करता है बर्ड्स के बॉडी में। ये आपको पड़ेगा 70 रुपीज़ पर किलो के हिसाब से। और फ्रेंड्स, ये भी लेके आए हैं भुट्टा, टूटा हुआ भुट्टा। ये पड़ा है मुझे 32 रुपीज़ पर किलो के हिसाब से। फ्रेंड्स, आप लोगों को जितना भी सीड्स का प्राइस बताया, मैं दुकान पे गया था, सबका दाम पूछ लिया, और कुछ सीड्स मैं मेरे लिए ख़रीद के लेके आया हूँ। और आप लोगों के इलाके में सीड्स का प्राइस, इस टाइप के हर एक टाइप के सीड्स का प्राइस क्या चल रहा है, आप लोग नीचे ज़रूर कमेंट करना, और आपके लोकेशन के हिसाब से। और बात करें जो महंगा सीड होता है, जैसे कनाडी सीड, वो चल रहा है 220 रुपये पर किलो। बोरी लेते हैं तो उसका मालूम नहीं कितना होगा। रेड मिलेट भी 220 रुपये पर किलो, और वाइट मिलेट भी 240 रुपये पर केजी के हिसाब से आपको मिलेगा। और बाकी अगर सीड मिक्स की बात किया जाए, जो मिक्स किया हुआ सीड्स दाना जो मिलता है बड़ा पैरट के लिए, ग्रे पैरट, मैकाउस के लिए, तो वो पड़ेगा आपको 170 से 180 रुपये पर किलो, जिसमें 12 से 15 टाइप का सीड मिक्स हुआ रहता है। तो दर्शक बंधु, बजीज पैरट को जो कॉमन कुछ जो बीमारियां होती है, उनमें अगर आप लोगों को पूछा जाए तो आप इनका आंसर क्या देंगे? मुझे जो लगता है कि आप सबसे फर्स्ट जो अगर आपको पूछा जाए कि इसमें से कॉमन बीमारियाँ क्या है, आप पहले आंसर देंगे इसका डायरिया, मतलब पॉटी का प्रॉब्लम। इनमें सबसे ज़्यादा जो बीमारियाँ होती हैं, ये पॉटी का प्रॉब्लम है, लूज मोशन का। हर एक ब्रीडर जो बजीज पैरट पालता है, कभी ना कभी इसको ये प्रॉब्लम का सामना उनको करना पड़ा है।
कि डायरिया का प्रॉब्लम, अगर नहीं भी सामना करा मतलब एडल्ट को अगर नहीं भी हुआ तो इसके जो छोटी छोटी जो चिक्स होती हैं जो मटकियों के अंदर होती है वो मटकियों के अंदर गीला गीला हो जाता है और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सपायर हो जाते हैं या कंडम या रिजेक्टेड हो जाते हैं। तो ये डायरिया का प्रॉब्लम हर एक बर्ड ब्रीडर कभी ना कभी फेस किया है बिजी स्पैरोट ऑल द टाइम। और फ्रेंड्स अगर सेकेंड इसका जो प्रॉब्लम की ऊपर बात किया जाए तो वह है कि इसका आई प्रॉब्लम, इसका आई प्रॉब्लम बहुत होता है लबर्ड्स के मुकाबले। इसका आई प्रॉब्लम होने पे बर्ड्स एक्सपायर तो नहीं हो जाता बट इसका आई प्रॉब्लम होने से आप देखेंगे बर्ड्स का आँख थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाता है और बर्ड्स के आँख में से पानी भी निकलता है, लेकिन उतना डरने वाली बात नहीं है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। लबर्ड्स के जैसा नहीं आँख का प्रॉब्लम होगा तो आँख बंद हो जाता है और धीरे धीरे बर्ड्स खाना पीना छोड़ के एक्सपायर हो जाता है, ऐसा नहीं होता। बर्ड्स का आँख धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अभी थर्ड जो इसका जो प्रॉब्लम है कॉमन जो प्रॉब्लम बीमारियों के ऊपर है वो है कि इसका जो भी चिक्स निकलता है वो चिक्स बहुत बार आप देखेंगे अच्छा डाइट अच्छा खाना देने के बाद भी डायरिया वायरिया कुछ भी नहीं हुआ फिर भी आप देखेंगे वो कंडम बच्चे हो जाते हैं रिजेक्टेड हो जाते हैं, मतलब इसके जो फेदर होते हैं वो फेदर गिर जाते हैं और टेल के फेदर भी गिर जाती हैं और बहुत हद तक आप देखेंगे बर्ड्स के जितने भी फेदर हैं वो निकाल के चमड़ी बाहर आ जाती है और बर्ड्स वो बर्ड्स कभी ब्रीड करने लायक रहता नहीं है, जैसे कंडम बच्चे छांट बच्चे हम लोग बोलते हैं अब मतलब हमारे एरिया के लोकेशन के हिसाब से जो हम लोग बोलते हैं। ये प्रॉब्लम इन बुजीस पैरोट में बहुत कॉमन है। अभी नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है अगर आप बात करेंगे तो बहुत सारे बर्ड्स को आप देखेंगे बुजीस पैरोट में अचानक से मर जाते हैं, मतलब खाते हैं पीते हैं और अचानक से मर जाते हैं। इसका कारण ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है, मतलब हम लोग ढूंढ ढूंढ के भी उस पॉइंट में आ नहीं पाते। बुजीस पैरोट खाता है पीता है अच्छा है मोटा ताज़ा है बट दूसरे दिन आप देखेंगे वो एक्सपायर कर गया। ये प्रॉब्लम इनमें बहुत देखने को मिलता है अचानक से डेथ, कुछ भी बीमारी का सिम्टम नहीं है कुछ भी नहीं है अचानक से डेथ हो जाता है। और एक फ्रेंड्स इसमें और एक जो कॉमन प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलती है जो मुझे भी देखने को मिल रही है, आप देख रहे हैं ये वाला जो एक बर्ड है ये ब्लू कलर का, इस बर्ड को हुआ था बहुत ज़्यादा डायरिया और मैंने डायरिया का मेडिसिन भी दिया था। बर्ड्स का जो डायरिया है पॉटी का प्रॉब्लम वो ठीक हो गया है, बर्ड्स अभी ठीक ठाक है बट बर्ड का जो मतलब जो हेल्दी और जो मतलब जो फुर्तीलापन वो ख़त्म हो चुका है, तो वो पन इसमें आने के लिए मतलब बर्ड्स पहले की तरह रिकवर होने के लिए पहले की तरह फ्लाई करेगा हेल्दी और चिल्लाने के लिए इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाती है। बीमारी तो इनमें बहुत जल्द पकड़ लेती है, 3-4 दिन में इसको बीमारी पकड़ लेती है बर्ड्स। ये बर्ड ठीक होने मेडिसिन दे देंगे तो बर्ड्स बीमारी चला गया, लेकिन बर्ड्स को रिकवर होने में और अच्छा एक हेल्दी बर्ड होने में लगभग 1 महीना लग जाता है। ये प्रॉब्लम इनमें बहुत देखने को मिलती है जो आपको और दूसरे बर्ड में नहीं मिलेगा, जो लबर्ड्स कॉकटेल कॉन्यूर इनमें देखने को नहीं मिलेगा। छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम है आप मेडिसिन देंगे वो बर्ड्स ठीक हो जाता है, लेकिन बुजीस पैरोट में अगर बर्ड्स एक बार बीमारी का शिकार आ जाए मतलब बर्ड्स एक बार ख़राब हो जाए मेडिसिन देके अगर आप उसे थोड़ा बहुत ठीक भी कर लोगे लेकिन वो पहले जितना हेल्दी पहले जितना ताकतवर और पहले जितना साइन उसमें जो बात थी वो आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाती है। ये मुझे कुछ कॉमन प्रॉब्लम बीमारियाँ बुजीस पैरोट में मुझे लगी है। अगर आप लोग सहमत हो तो लाइक ज़रूर कर देना। और एक प्रॉब्लम आती है बट ये सभी बर्ड में होती है लेकिन बुजीस पैरोट में भी होती है तो ये भी मैं शेयर कर देना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, हुआ कि सोखड़े का प्रॉब्लम। हाँ फ्रेंड्स सोखड़ा जिसे सूखा हुआ भी बोलते हैं, मतलब बॉडी के जो सीने की हड्डी वो बाहर आ जाती है और जो साइड की जो मांसपेशियाँ हैं वो कम हो जाती है। ये आपको कबूतर कॉकटेल कोन्यूर फिंच जावा सब में देखने को मिलेगा लेकिन बुजीस पैरोट में भी ये देखने को मिलता है, अच्छी हेल्दी डाइट देने के बाद भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और एक प्रॉब्लम है लेकिन ये सिर्फ फीमेल में होती है, जो लोग बुजीस पैरोट को केज में ब्रीडिंग कराते हैं उन लोगों के साथ ये बहुत होता है, कॉलोनी वालों के साथ मेरे ख्याल से उतना नहीं होता। वो है चर्बी, बुजीस पैरोट की जो फीमेल है वो फीमेल को बहुत ज़्यादा चर्बी लग जाती है जो मेल को या कॉलोनी में पालने वालों को नहीं होता, लेकिन जो लोग सेपरेट केज में मतलब डेर बाय डेर के केज में जो लोग बर्ड्स पालते हैं और बर्ड्स को बहुत ज़्यादा फैटी खाना देते हैं कंगनी दाना ही बहुत ज़्यादा परिमाण में देते हैं वो लोगों के साथ ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, फीमेल को बहुत ज़्यादा चर्बी लग जाती है। चर्बी नॉर्मली नहीं लगती, वो लगती है जब फीमेल अंडों पर बैठती है और बहुत देर तक वो अंडों पर बैठी रहती है और अंडे ठीक तरीके से वो फर्टाइल नहीं कर पाती और डेट ओवर हो जाता है फिर भी वो अंडों के पास ही बैठी रहती है, ऐसे
हर टाइम बैठे बैठे उस फीमेल के पेट में चर्बी लग जाती है। बिजनेस पीरियड में ये चर्बी वाली बात बहुत कॉमन है, जो आपको हर कोई दूसरे बर्ड में, दूसरे म्यूटेशन में देखने को नहीं मिलेगा। जैसे फिंच, जावा, कॉकटेल में चर्बी की जो फीमेल में प्रॉब्लम है, ये ना के बराबर है, होती है बट बहुत कम। लेकिन बिजनेस पैरट के फीमेल में चर्बी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम मुझे लगी। अगर आप लोग सहमत हैं तो लाइक कर देना और शेयर करना आप लोग सारे दोस्तों के साथ। और मिलते हैं ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ में, तब तक के लिए देखते रहिए पेट्स एम्पायर। जय हिंद।